Today we are going to discuss how to plot graphs of linear equations in two variables. This is exercise 3.3, question number 1 of 9th class. Okay, so first part of question number 1 is x plus y equals to 4. This one is a linear equation in two variables. Variables are x and y. तो यहाँ हमें ग्राफ प्लॉट करना है. ग्राफ प्लॉट करने के लिए फर्स्टली हमें यहाँ पे क्या करना होता है, या तो x को शिफ्ट करना है या y को शिफ्ट करना है. तो मैं ऐसा करूंगा, यहाँ पे मैंने x को शिफ्ट किया. नाउ दिस वन इज पॉजिटिव x. अगर मैं शिफ्ट करता हूँ यहाँ पे, मैं इसको लिखूंगा नेगेटिव x. ओके, ग्राफ प्लॉट करने के लिए फर्स्टली हमें एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस निकालने होते हैं इसी इक्वेशन के. सॉल्यूशंस मींस वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया. टेबल में यहाँ पे लिख रहा हूँ x, यहाँ पे लिख रहा हूँ y. अब हम अपनी चॉइस से x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और साथ साथ y की वैल्यूज फाइंड आउट करते जाएंगे. सपोज मैं x अगर यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, इट विल बी 4 माइनस 0. अगर x 1 पुट करता हूँ, इट विल बी 4 माइनस 1. तो मैं ऐसा करता हूँ, x 1 से स्टार्ट करता हूँ. इफ x इज 1 देन y विल बी 4 माइनस 1, इट विल बी 3. मैं इसको कहूंगा हमारे पास इस सोल्यूशन का, इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन x1 and y3. Then, if we put x equals to 2, then y will be 4 minus 2. It will be 2. That is x2 and y2. Agar x 3 put karta hu, it will be y ki value. 4 minus 3, it will be 1. So, these are the 3 solutions of the given equation. अब जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ करनी है. एक्स एक्सिस and y-axis. This one is x-axis, this one is y-axis. Horizontal one is x-axis and vertical one is y-axis. This one is origin. तो यहाँ पे values सामने नजर आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ positive values हैं. x-axis then y-axis. तो x की positive values यहाँ रहती हैं, negative values यहाँ पे shift होती हैं. मैं ऐसा करूँगा 1, 2, 3. आगे जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे. Then y की values 1, 2, 3. These are the positive values of x. 1, 2, 3. These are the positive values of y. Now this one is negative x's. This one is again negative x's. इनको यहाँ पे मैंने खाली छोड़ दिया. So first one is x1, y3. x1, y3. This one is x1, y ये रहा हमारे पास. So y3. x1, y3. उसके बाद x2, y2. This one is x2, y2. Then x3, y1. x3 ये रहा, y1 ये रहा. So x3, y1. मैं लिखूंगा यहां पे, this one is x1, y3. Then x2, y2, x3, y1. अब मुझे इनको ज्वाइन करना है. वी कैन एक्सटेंड दिस लाइन आल्सो फ्रॉम बोथ द साइड्स. सो दिस वन इज द ग्राफ ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. तो एक चीज मैं और यहां पे क्लियर कर दूं, इक्वेशन इज लीनियर. लीनियर मींस डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1. सो आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा. एक और पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. तो अगर मैं यहीं पे एक और पार्ट, सेकंड पार्ट सपोज मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, x माइनस y इक्वल्स टू 2. अगेन हम x को भी शिफ्ट कर सकते हैं, y को भी शिफ्ट कर सकते हैं. कंफर्टेबल रहेगा सभी के लिए अगर हम नेगेटिव साइन वाली टर्म को शिफ्ट करते हैं. माइनस y है, इसी को मैं शिफ्ट करता हूँ तो मैं लिखूंगा प्लस y. फिर से मुझे टेबल ड्रॉ करना है यहाँ पे. For finding the values of x and y, that is, we can also say for finding the different solutions of the given equation, x then y. अब y की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ, suppose y की वैल्यू 1 लिख रहा हूँ, x will be 2 plus 1, it will be 3. अगर मैं y 2 पुट करता हूँ, 2, x will be 2 plus 2, that is 4. अगर मैं y 3 पुट करता हूं, इट विल बी 2 प्लस 3, दैट इज 5.
तो ये एक्स और वाई की वैल्यूज हैं, पॉजिटिव वैल्यूज सेम क्वेश्चन में आ रही हैं, इट मींस वी कैन वेरी इजीली ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये आई होप सभी स्टूडेंट्स को ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं एक और पार्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा जिसमें हमारे पास कुछ वैल्यूज माइनस साइन के साथ हो। सेम क्वेश्चन but with the third part, and third part is suppose 2x plus y equals to 3. Again we can shift the term containing y or the term containing x. तो यहाँ पे मैं y को यहीं पे रख रहा हूँ, 2x को shift किया, positive sign था, जब shift करूँगा तो मैं इसके साथ यहाँ पे negative sign लिख रहा हूँ। अगेन टेबल ड्रॉ करेंगे, एक्स एंड वाई। अगर मैं एक्स यहां पे जीरो लिखता हूं, सपोज एक्स जीरो लिख रहा हूं, टू इंटू जीरो जीरो, थ्री माइनस जीरो विल बी थ्री। अगर मैं एक्स वन पुट करता हूं, 2 into 1, 2, 3 minus 2 will be 1. अगर मैं x 2 put करता हूँ, 2 into 2, 4, 3 minus 4, it will be minus 1. तो concept को clear करने के लिए मैं यहाँ पे एक और value add कर देता हूँ। Suppose मैं x 3 भी लेके देख लेता हूँ यहाँ पे, 2 into 3, it will be 6. So 3 minus 6 will be minus 3. इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सबका कि पॉजिटिव वैल्यू को ग्राफ पे कैसे पुट करना है और नेगेटिव वैल्यू को कैसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। अगेन एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस, दिस वन इज ओरिजिन। सो एक्स की वैल्यूज अगर यहां पे मैं 1, 2, 3 लेके चलता हूं, 1, 2, 3, वाई की वैल्यूज 1, 2, 3, हम आगे भी प्लॉट कर सकते हैं, नेक्स्ट वैल्यूज को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, देन इसमें हमें नेगेटिव वैल्यूज भी नजर आ रही हैं, तो मैं नेगेटिव साइंस को भी लिखूंगा। दिस वन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस -1, -2, -3 एंड नेगेटिव वाई एक्सिस -1, -2, -3। एक्स की नेगेटिव वैल्यूज इस एक्सिस पे, वाई की नेगेटिव वैल्यूज इस एक्सिस पे। ओके, फर्स्टली एक्स जीरो वाई थ्री, तो एक्सिस पे हमारे पास क्या रहता है, या तो एक्स की वैल्यूज हैं या फिर वाई की वैल्यूज हैं, और ओरिजिन जो है यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज जीरो रहती है। तो एक और कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे क्लियर करना होता है कि दिस वन इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के हर एक पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो रहती है, देन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के हर एक पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो रहती है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू जीरो और y एक्सिस पे x की वैल्यू जीरो। फर्स्टली x जीरो y थ्री, x इज जीरो, x जीरो मीन्स ये जो हमारा पॉइंट होगा ये कहीं y एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो रहती है। x जीरो y थ्री, दिस वन इज x जीरो, हम इसी के सामने चलेंगे ऊपर, y थ्री, दिस वन इज x जीरो एंड y थ्री, देन x वन y वन, सो दिस वन इज x वन और y वन ये रहेगा हमारे पास x1, y1, then x3, y minus 3, x3 ये रहा, लेकिन y minus 3, y की जो negative values हैं, वो हमारे पास यहाँ पे, x3, y minus 3, so this one is x3, and y minus 3, x3, y minus 3, अगर मैं इन points को join करता हूँ, तो ये रही हमारे पास, दिस वन इज द ग्राफ ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन। एक मैं और कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दूं कि सेम क्वेश्चन को जब स्टूडेंट्स ग्राफ नोटबुक पे क्लियर करते हैं, उस पे ड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे ये लाइन्स हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये लाइन्स वहाँ पे पहले से ही ड्रॉ होती हैं। सो दीज आर द पार्ट्स, आई थिंक और कोई पार्ट होगा तो वो स्टूडेंट्स खुद ड्रॉ कर सकते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। थैंक यू।